नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सिलाइयों से इस तरह का स्कार्फ बनाना बताऊंगी। तो कुछ लोग इसे स्कार्फ भी बोलते हैं, तो मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप का स्कार्फ बनाना बताया है। तो आज मैं आपको इस तरह से, जो हमारा ये वाला स्कार्फ है, ये नीचे से स्टार्ट होता है, आप इसे लॉन्ग टेल वाला स्कार्फ भी बोल सकते हो। तो ये हमारा यहां से नीचे से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर ये ऊपर से इस प्रकार से यहां से बढ़ता हुआ जाएगा। और देखिए, इस तरह से बढ़ रहा है हमारा स्कार्फ और आगे जाके हमने यहां पे इसको बढ़ाना बंद कर दिया है और फिर कुछ लाइंस हमने यहां पे पट्टी की बनाई है। ये हमारा आगे का हिस्सा है और हमारे पास यहां पे देखिए, आप इस तरह से पट्टी बना सकते हो दोनों तरफ से। ये यहां से आगे से आएगी और ये बनाने में आसान है, आप बना सकते हो। इस तरह से ये हमारा स्कार्फ आता है, इस तरह से भी आप इसको बांध सकते हो और पीछे की तरफ भी आप इसको बांध सकते हो। तो स्टार्ट मैंने इसको यहां से किया हुआ है, तो मैंने यहां से, आप इसे 21 फंदों से आप इसे स्टार्ट कीजिए। ये हम 21 फंदे से इसे स्टार्ट करेंगे और यहां पे देखिए, मैंने इतना पार्ट जो है ये मैंने उल्टा बनाया हुआ है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो यहां पे मेरी टोटल मैंने 12 सिलाइयां बनाई हुई हैं दोनों तरफ से। तो इसके बाद देखिए, हमने यहां पे इसकी पट्टी रखी हुई है, पांच पांच मैंने फंदों की, पांच फंदे इस तरफ से उल्टे बनाए और पांच इस तरफ से। तो ये पूरे स्कार्फ में हमारे साथ साथ पांच ही उल्टे फंदों की ये पट्टी आएगी और बीच में हमारे पास, यहाँ पे हमने टोटल 21 फंदे रखे हैं 21, तो यहाँ पे पांच इस तरफ हैं, पांच इस तरफ हैं। तो इतना जो हमारा पार्ट है यहाँ पे हमने बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे हम मैंने यहाँ पे तीन सिलाइयां जो हैं सीधी साइड से सीधी बनाई हुई हैं और उल्टी साइड से मेरी उल्टी आई है। तो यहाँ पे मैंने पांच इस तरफ रखे हैं और पांच इस तरफ, तो बीच में मेरे पास ये 11 फंदे रह गए हैं, तो टोटल ये मेरे पास 21 हो गए हैं। और उसके बाद देखिए, मैंने यहां से बढ़ाना स्टार्ट किया है, पांच मैंने आगे बनाए हैं और पांच यहां पे, पांच इस तरफ, तो बीच में एक फंदा मैंने बीच में सीधा बुना है और दोनों तरफ उसके एक एक फिर बढ़ते हुए जाएंगे। तो लास्ट में मैंने 107 तक, 107 फंदों तक मैंने इस स्कार्फ को बढ़ाया है। और जो मेरी ये वाली रो आई है, जाली की रो आई है, ये मेरी 43 रो आई है, मेरी 43 रो तक मैंने यहां से बढ़ाना स्टार्ट किया है। एक यहां से होल से आप काउंट करोगे तो यहां तक मैंने 43 रो तक इसको बढ़ाया है। तो ये मेरे पास 107 मेरे पास ये फंदे आए हैं। तो उसके बाद देखिए, मैंने यहां पे 8 जो सिलाइयां हैं दोनों तरफ से ये मैंने उल्टी बनाई हुई है, तो ये हमारी आगे की तरफ से पट्टी बन जाएगी। और उसके बाद जैसे आप गला बनाते हो और फिर आप फंदे उठाते हो अलग से, तो पट्टी के लिए आपने यहां से अलग से फंदे उठाने हैं, जैसे कि हम स्वेटर का गला बनाते हैं वहां से हम फंदे उठाते हैं वैसे। तो ये हमारी जो पट्टियां हैं ये अलग से बनेंगी। तो आप यहां पे, मैंने 12 फंदों से इसको बनाया, तो आप ज्यादा भी रख सकते हो या कम भी रख सकते हो, तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हो। तो चलिए, आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पे 21 यहां पे फंदे लिए हैं, 21 फंदे। तो अभी हमने यहाँ पे उल्टी सिलाइयां बनानी है, दोनों तरफ से हमने यहाँ पे उल्टा बनाना है। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ से उल्टा बना लीजिए। मैंने यहाँ पे 12 सिलाइयां दोनों तरफ से उल्टी बनाई हैं, तो आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो आप ज्यादा भी बना सकते हो। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, 21 फंदों के ऊपर आपने 12 सिलाइयां आप इस पे उल्टी बना लीजिए दोनों तरफ से। तो हम इस प्रकार से उल्टी सिलाई बनाते हैं, इस तरफ से सिलाई लेके जाएंगे फंदे में और धागा लेंगे। तो इसी प्रकार से आपने 12 रो फिनिश करनी है। तो देखिए, मैंने जिस प्रकार से उल्टी सिलाई बनाई है, तो आपने इसी प्रकार से 11 और यहां पे सिलाइयां उल्टी बना लेनी है।
तो देखिए इस प्रकार से आपका इस तरह से उल्टा दोनों तरफ से आएगा ये पैटर्न। तो अभी हम जो हमारा फर्स्ट फंदा है उसको ऐसे ही उतार लेंगे, और अभी हमने दोनों तरफ से पट्टी बनानी है, इस तरफ से भी 5 फंदे रखने हैं और इस तरफ से भी। तो हमने एक तो ये हो गया और 4 फंदे और हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, 3, 4 और 1, 5। तो 4 एक हमने जो फर्स्ट यहाँ पे उतारा था बिना बुना हुआ वो, और 4 हमने और बनाए हैं। तो यहां से हमारी ये उल्टी पट्टी स्टार्ट हो गई, और आप यहाँ पे ज्यादा भी रख सकते हो, तो आपने यहां से ज्यादा रखना है फिर आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो अभी हम देखिए यहाँ पे हमारे पास बीच में हमारे पास 11 हमने जो हमारे फंदे हैं वो हमने यहाँ पे सीधे बनाने हैं। तो आपने 11 फंदे इसी प्रकार से सीधे बना लेने हैं, और जो लास्ट के हमारे पास फिर से 5 फंदे आएंगे उनको हमने उल्टा बनाना है। तो इसी प्रकार से आपने यहाँ पे 3 सिलाइयां सीधी तरफ से हमने यहाँ पे सिंपली बनानी है, यहाँ पे हमने कुछ भी बढ़ाना नहीं है, उसके बाद हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। 3, 4 और 5। जब हम उल्टी सिलाइयां बनाएंगे तब हमने धागा आगे करना है। तो इस प्रकार से 5 हमने इस तरफ जो फंदे हैं किए और 5 इस तरफ उल्टे, और बीच में हमने यहाँ देखिए 11 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। तो उल्टी तरफ से पूरे हमारा उल्टा ही आएगा, जो बीच का है सीधा वो भी उल्टा आएगा और साइडों का भी। तो सीधी तरफ से आपने यहाँ पे एक हमारी देखिए बीच की हमारे सीधा हमारी सीधी सिलाई आ गई है, तो 2 सिलाई आप यहाँ पे और बना लीजिए और उसके बाद फिर हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से आएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट करना है, आपने इतना पार्ट या इससे थोड़ा ज्यादा या कम आप बना लीजिए, क्योंकि अगर आप यहीं से बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर ये इस तरह से खिंचा खिंचा सा बनेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ सिलाइयां जो हैं वो हमने सीधी बनाई हुई है। तो अभी आपने जो हमारे 5 स्टार्टिंग में हमारे पास जो फंदे हैं उल्टे वो आपने उल्टे बना लेने हैं। तो देखिए हमने 5 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बना लिए हैं। तो अभी हम जब सीधा बनाएंगे तो धागा हम दूसरी तरफ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 बनाने हैं सीधे, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 के बाद हमने यहाँ पे हमारे पास 11 फंदे थे, तो 5 हम इस तरफ रखेंगे और 5 इस तरफ, तो टोटल 10 हो जाएंगे, और बीच का एक हमने फंदा यहाँ पे रखना है जहां से हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आपने बढ़ाना है जाली बनानी है तो धागा हम आगे करेंगे, और इस फंदे को जो हमारा सेंटर का फंदा है उसको हमने इस तरह से सीधा बनाना है। तो जब हम सीधा बनाएंगे और धागा आगे करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, और फिर हम धागा आगे करेंगे और यहाँ पे एक फंदा, इसके आगे जो हमारे 5 फंदे हैं वो हम सीधे बनाएंगे। तो जो हमारा बीच का फंदा है उसके दोनों तरफ हमने धागा आगे करना है और दोनों तरफ बढ़ा देना है, जाली बुननी है। तो यहाँ पे हमने देखिए दूसरा तीसरी बार बनाया, यहाँ पे भी हमारे पास 5 फंदे सीधे आएंगे, ये देखिए 5, और अभी हमारे पास देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। जो हमारे लास्ट के 5 हैं वो धागा आगे करना है और फिर से हमने उल्टे बना देने हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट उल्टी सिलाई आएगी वो हमारी उल्टी ही बनानी है हमने। तो दूसरी सिलाई आपने इस तरफ से पूरी उल्टी बनानी है। तो फिर से देखिए हमने यहाँ पे 5 जो हैं वो उल्टे बनाए हुए हैं पट्टी के लिए, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 11 फंदे थे तो 5 मैंने सीधे बनाए, और एक जो मेरा बीच का देखिए फंदा था यहाँ पे देखिए उसको मैंने सीधा बनाया। तो उसके एक तो इस तरफ हमने बढ़ाया, धागा आगे किया, और एक उसके इस तरफ बढ़ाया, तो दोनों तरफ उसके एक एक फंदे हमारे पास बढ़ गए हैं। तो बीच का जो हमारा फंदा है सीधा वो पूरे पैटर्न में इसी प्रकार से सीधा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से जाली आ गई है, और हमारा बीच का जो एक फंदा है वो पूरे पैटर्न में सीधा ही बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास 21 थे तो 2 बढ़ गए हैं, अभी ये 23 हो गए हैं, 23 हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हर एक सीधी सिलाई में हमारे पास एक इस तरफ फंदा बढ़ेगा और एक इस तरफ, और जो बीच का हमारा ये सीधा फंदा है वो हमने सीधा ही बनाते हुए जाना है, आपने उसका ध्यान रखना है, उसके आगे बढ़ाना है और पीछे बढ़ाना है। तो देखिए अभी हम
तो पहले हमने हमारे जो पांच यहाँ पे फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे, पट्टी है हमारी जो, तो धागा हम इस तरफ करेंगे और अभी हमने सीधा बनाना है। तो देखिए एक दो तीन चार पांच और देखिए छह फंदे हमने बना लिए हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये सीधा फंदा आ गया है अभी, तो धागा हम आगे करेंगे और इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से, और फिर से धागा आगे करेंगे, दोनों तरफ बढ़ाना है और लास्ट के जो हमारे पास छह हैं उनको हम फिर से सीधा बनाएंगे। तो हमारे पास ये छह फंदे हो गए हैं। तो अभी हमारे पास देखिए पांच, एक दो तीन चार और पांच, फिर से धागा आगे करेंगे और जो हमारे उल्टे फंदे हैं उनको हमने उल्टा ही बनाना है दोनों तरफ से। तो इस प्रकार से हमारा स्कार्फ बढ़ता हुआ जाएगा। आप अगर इसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हो, कम रखना चाहते हो तो कम रख सकते हो। और बीच में देखिए हमारी जाली बनने इस प्रकार से स्टार्ट हो गई है। तो देखिए मैंने इसको पांच रो तक बढ़ाया है, एक दो, देखिए एक दो तीन चार और पांच। तो पांच तक मैंने जब पांच रो में इसको बढ़ाया तो पांच मेरे इस तरफ फंदे बढ़ गए और पांच इस तरफ, तो टोटल दस हो गए। तो मेरे पास 21 थे तो अभी 31 हो गए हैं। तो दोनों तरफ से हर एक रो में हमारे दो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, तो बस आपने बीच के पैटर्न का ध्यान रखना है, तो बाकी सारा हमारा साइडों पे सेम ही आएगा। तो देखिए इस स्कार्फ को मैंने यहां से लेकर, यहां से स्टार्ट करके मैंने यहां तक 43 रो तक मैंने इसको बढ़ाया है, जाली बनाई है, और बीच में देखिए मेरा फंदा उसी प्रकार से सीधा आया है, आपने इसका ध्यान रखना है। और मैंने 107 फंदों के बाद इसे बढ़ाना बंद कर दिया है और फिर मैंने देखिए कुछ पार्ट यहाँ पे उसी प्रकार से सीधा बनाया है और फिर हमने आगे जाके पट्टी बनानी है। और आप यहां से, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप फंदे उठाकर पट्टी बना सकते हो, ये हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ आप बांध सकते हो, तो आप इसे बड़ी भी बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।